नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि DOB में वैकेंसीज आई हुई है उसके बारे में। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपकी सभी डाउट्स क्लियर हो पाए। और हाँ, ये आपकी सीधी भर्ती होने वाली है। यदि आप 12वीं ग्रेजुएट पास किए हुए हो तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपका तो ये सीधी भर्ती होने वाली है और इसमें आपका एग्जाम भी नहीं होगा और फ्रेंड्स इंटरव्यू भी। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है जिसको हम आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर बताएंगे कि इसमें क्या क्या डिटेल्स मांगी गई है। इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे, मेल एंड फीमेल। तो चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। और हाँ, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी तक नहीं है तो गवर्नमेंट जॉबों से संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियली वेबसाइट पर एंड इसकी ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर आया हुआ नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है वो कुछ इस प्रकार है। इसमें आपका अनुबंध आधार पर BC सुपरवाइजर्स के पदों पर भर्ती की सूचना जारी कर दी गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा युवा उम्मीदवारों व अनुभवी सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों से BC सुपरवाइजर के पद लिए पूर्व अर्हता हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो आपको आवेदन करना होगा, इसमें आपको 10 अप्रैल 2021 तक इसमें आप आवेदन कर पाओगे। तो इस फ्रेंड्स, इसका जो आवेदन शुरू हुआ था 9 मार्च 2021 से शुरू हुआ था, जबकि इसका आवेदन अंतिम तिथि एवं समय तो फ्रेंड्स यानी कि आपका 10 अप्रैल 2021 दोपहर 12 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आप यहां पर देख सकते हैं इसमें रिक्रूटमेंट की बात आती है तो आप यहां पर देख पाएंगे इसमें जो आपकी यानी कि आपकी वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें यहाँ पर डिटेल एंड साइनड एप्लीकेशन शैल बी सबमिटेड यानी कि आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसमें जो आपकी टोटल वैकेंसीज है तो इस प्रकार है। एंड फ्रेंड्स, आपकी जो क्वालिफिकेशन की बात आती है तो आप यहां पर देख पाओगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात आती है तो फॉर रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय के लिए रिटायर्ड ऑफिसर्स ऑफ एनी PSU बैंक अप टू द रैंक ऑफ चीफ मैनेजर में बी अपॉइंटेड फॉर द पर्पज आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एंड फ्रेंड्स, फॉर यंग कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन शुड बी ग्रेजुएट विद कंप्यूटर नॉलेज MS ऑफिस एंड ईमेल इंटरनेट ETC। हाउएवर क्वालिफिकेशन लाइक MSc IT BE IT MCA MBA विल बी गिवन प्रेफरेंस शुड बी इन द एज ऑफ 21-45 ईयर यानी कि आपकी एज लिमिट 21-45 ईयर के बीच होनी चाहिए। द मैक्सिमम एज लिमिट कंडीशन OBC सुपरवाइजर्स के लिए इसमें आपकी 65 ईयर्स होनी चाहिए। एंड यहाँ पर देख पाएंगे इसमें जो अदर आपकी जो अदर इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन है यहाँ पर आप देख पाएंगे इसमें जो आपका यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर ये भर्ती होने वाली है। एंड फ्रेंड्स, इसमें जो आपकी यानी कि ट्रेनिंग होने वाला है यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग आफ्टर रिक्रूटमेंट द रीजनल ऑफिस विल कंडक्ट ए कॉम्प्रेंसिव टू डे ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द BC सुपरवाइजर्स ऑल टॉपिक्स रिलेटेड टू डे टूडे एक्टिविटीज विल बी कन्वर्ट इन टू द ट्रेनिंग प्रोग्राम द फॉलोइंग टॉपिक्स शुड बी कन्वर्ट इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ BC सुपरवाइजर्स अबाउट द बैंक व्हाट इज द फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इम्पोर्टेंस फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोडक्ट्स एंड क्रेडिट प्रोडक्ट्स BC मॉडल वर्किंग फंक्शनिंग एंड टेक्नोलॉजी इन डिटेल्स। एंड यहाँ पर आप देख पाएंगे जो इसमें आपकी अदर इम्पोर्टेंट डिटेल्स है आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें जो आपकी यानी कि बात आता है आपका पेमेंट का तो फ्रेंड्स आपका जो पेमेंट ऑफ मंथली रिक्रूटमेंट सेशन के हिसाब से मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं द BC सुपरवाइजर्स विल हैव ए मिक्स्ड स्ट्रक्चर ऑफ मंथली रिकमेंटेशन कंप्रेसिंग ऑफ द फिक्स्ड वेरिएबल कंपेंटेशन यानी कि आपका इसमें वेतन फिक्स होने वाला है जो आपको जब ही बताने वाला हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो आपको मिलने वाला है इसमें 4,000 रुपये 5,000 रुपये इसमें आपका वेतन मिलने वाला है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें जो आपकी अदर्स इम्पोर्टेंट वैकेंसीज की बात करें यानी कि आपका जो फॉर्म है यहाँ पर आप देख सकते हो टू द रीजनल मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि आपको यहाँ पर इसका अप्लाई करने के लिए इस प्रकार करना होगा। इसमें आपको एक फोटो लगाना होगा। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अपना फुल नेम डालना होगा कैपिटल लेटर्स में, फादर्स नेम या हस्बैंड्स नेम, जेंडर मेल या फीमेल, डेट ऑफ बर्थ एंड फ्रेंड्स करंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस भी आपको यहाँ पर डालना होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या यहाँ पर आपको यानी कि पत्र व्यवहार डालना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिसेबिलिटी इफ एनी येस और नो प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड यहाँ पर आप देख सकते हो यानी कि आपका जो अब बात आती है आपकी
नेम ऑफ एड्रेस टू रेफरेंस एंड रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट फॉर वर्किंग प्री रेफरेंस 1, 2, 3 ये आपको डालने होगा। एनी अदर इंफॉर्मेशन द एप्लीकेंट विशेस टू गिव इन सपोर्ट ऑफ हिज हर कंट्रेचर एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें आपका वैकेंसी होने वाला है इस प्रकार का होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले बात आती है स्टेटस ऑफ एक्टिव बीसी एजेंट्स के लिए। इसमें आपका क्रिटेरिया 90 से 100% मार्क्स 10 एंड 80 से 90 मार्क्स 8, 70 से 80, 6 और 60 से 70, 4 और इसमें आपको 60 से जो कम होगा उसका 0 और जो 10 से ज़्यादा होगा उसका 9। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार आपको इसमें मिलने वाले तो दोस्तों आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे 10 अप्रैल 2021 तक। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।